हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हिमांशी और अब आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं इस लिंक के थ्रू। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। मैं वहाँ पर DT+V एंड CTET के कुछ क्वालिटेटिव कोर्सेज बना रही हूँ, तो आप प्लीज़ देखें उसको। इसके अलावा आप अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं बोथ एंड्रॉयड एंड iOS डिवाइसेस पर, जहाँ पर आपको बहुत सारे अदर कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स टर्न। डिस्कस करेंगे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पर्यावरण अध्ययन के कुछ नोट्स, जो कि हम फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट पार्ट में 5 पेजेस को डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पेज से आज स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल अश्योरेंस है कि अगर आप ये सीरीज़ फॉलो करते हैं 10 वीडियोस की, जिसमें 5-5 पेजेस हम हर एक वीडियो में कवर करेंगे, तो 25 नंबर से कम तो नहीं आने वाले हैं EVS सेक्शन में, क्योंकि NCF भी कवर करेंगे और पेडागॉजी सेक्शन भी। स्टार्ट करते हैं। NCERT बेस्ड नोट्स हैं, फटाफट से चलते हैं 5th पेज पर। इससे पहले की वीडियो अगर नहीं देखी है तो देख लीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर पहली बार देख रहे थे चैनल को तो वीडियो लाइक करके जाइएगा अगर पसंद आए तो, और शेयर करना है दोस्तों के साथ। स्टार्ट करते हैं। जो 5th पेज है अपना, वो स्टार्ट होता है कर्णम मलेश्वरी की कहानी से। यहाँ पर हमने छोड़ा था लास्ट टाइम, और कर्णम मलेश्वरी से क्वेश्चन आया हुआ है पहले, और बिल्कुल संभावना है आगे आने की, इसलिए प्रॉपर एक इमेज के साथ लगाया है ताकि आप ज़्यादा याद रख पाएँ। इसमें क्या होता है, इनके बारे में कुछ 3 बातें सही दे देगा, एक बात गलत दे देगा, तो वो आपको पहचानना होता है कि कौन सी 3 बातें सही हैं या कौन सी एक बात गलत है कर्णम मलेश्वरी के बारे में। तो आपको क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। कर्णम मलेश्वरी क्या हैं, एक वेट लिफ्टर हैं, और कहाँ रहती हैं, आंध्र प्रदेश की हैं, अभी तेलंगाना में आई थिंक पढ़ता है ये। और इनके जो फादर हैं वो एक पुलिस कांस्टेबल हैं। मलेश्वरी स्टार्टेड लिफ्टिंग वेट्स व्हेन शी वाज ओनली 12 ईयर्स ओल्ड। तो 12 साल की उम्र से इन्होंने वेट लिफ्टिंग स्टार्ट कर दी थी, मेडल्स वगैरह के लिए जो आप प्रिपेयर करते हैं ओलंपिक्स में। 130 किलोग्राम तक का वेट ये लिफ्ट कर सकती हैं, उठा सकती हैं, और इन्होंने 29 इंटरनेशनल मेडल्स को जीता है, मतलब 29 अंतर्राष्ट्रीय जो इवेंट्स हैं उनमें पार्टिसिपेट किया है और मेडल्स लेकर के आई हैं। तो ये एक बात है। इनकी जो 4 सिस्टर हैं वो भी वेट लिफ्टिंग की ही प्रैक्टिस करती हैं। तो ये सारी बातें आप याद रखें। कर्णम मलेश्वरी कहाँ से हैं, आंध्र प्रदेश से हैं, एक पुलिस कांस्टेबल की बेटी हैं और वेट लिफ्टर हैं। 130 किलो जो है इनकी लिमिट है, 12 साल की उम्र से इन्होंने वेट लिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया था। टोटल 29 मेडल्स हैं जो इंटरनेशनल इवेंट्स में इन्होंने जीते हैं, और इनकी जो सिस्टर्स हैं वो भी प्रैक्टिस करती हैं वेट लिफ्टिंग को, बाकी की 4 सिस्टर्स। तो ये सारी डिटेल्स आप अपने दिमाग में रखें कहानी की तरह। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो फ्लावर वैली है, जो फ्लावर्स की वैली है, फूलों का बगीचा बेसिकली आप कह सकते हो, ये उत्तराखंड की हिल्स में पाया जाता है, पहाड़ियों में पाया जाता है, कुछ मूवीज़ में भी आपने देखा होगा। तो ये एक याद रखने वाली चीज़ है। नेक्स्ट है फ्लावर्स लाइक मैरी गोल्ड्स, जो मैरी गोल्ड्स, जीनिया, ये इस तरह के फ्लावर्स हैं जिनको डाई करने के लिए क्लोथ्स को, मतलब कपड़ों को रंग करने के लिए काम में लिया जाता है। तो ये डाई आप जानते हैं, जो कलर आप कराते हैं कपड़ों पर। नेक्स्ट है कन्नौज डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है, आपने नाम सुना होगा। और किस लिए फेमस है, तो इत्र मेकिंग के लिए फेमस है। इत्र मेकिंग मतलब परफ्यूम मेकिंग के लिए, परफ्यूम्स के लिए फेमस है कन्नौज डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश की। ये ज़रूरी है, ये बातें याद रखनी, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। स्टेट ऑन मैप केरला एंड महाराष्ट्र। तो मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, अभी भी आप सुन लीजिए कि मैप को आप अच्छे से याद कर लें। जो इंडिया का मैप है वो आपके दिमाग में होना चाहिए, कौन सा स्टेट किस स्टेट के पास में पड़ता है, किसकी बाउंड्री किससे लगती है, क्योंकि इस तरह के भी 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप खुद एक मैप लेकर के उस पर अलग अलग स्टेट्स को नाम, उनका नामांकन करें बेसिकली। स्टार्ट करते हैं मधुबनी पेंटिंग के बारे में जानना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस मधुबनी पेंटिंग से आते हैं। तो ये है मधुबनी पेंटिंग, आप देख सकते हैं अलग अलग, जो इस पे क्या है, हाथी बने हुए हैं, यहाँ पर बत्तख बनी हुई है, अलग अलग डिज़ाइन बने हुए हैं कलरफुल। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्या कहती हैं मधुबनी पेंटिंग्स। ये जो डिज़ाइन है इस पिक्चर में मधुबनी पेंटिंग कहलाता है, बिल्कुल ये बात हम ऑलरेडी जानते हैं। ये क्या, एक बहुत ही पुरानी ओल्ड फॉर्म ऑफ फोक आर्ट है, जो भारत की एक कला है, फोक आर्ट है, उसका एक बहुत पुरानी फॉर्म है, पुराने टाइम से है। इसको मधुबनी किस लिए कहा जाता है, मधुबनी पेंटिंग क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट मधुबनी से रिलेटेड है, मधुबनी में बनाई जाती है, जो एक डिस्ट्रिक्ट है, जिला है बिहार में, इसलिए मधुबनी पेंटिंग इसका नाम है। तो एक जिले के नाम पर, एक डिस्ट्रिक्ट के नाम पर ही इस पेंटिंग का नाम है, बहुत फेमस पेंटिंग है। नेक्स्ट है दीज पेंटिंग्स आर मेड आउट ऑफ पेस्ट ऑफ पाउडर्ड। ये क्वेश्चन एज इट इज़ आपको आया हुआ मिल जाएगा प्रीवियस ईयर पेपर्स में, कि जो मधुबनी पेंटिंग्स हैं वो किससे बनाई जाती हैं। तो जो पाउडर्ड राइस है, जो एक चावल का जो पाउडर है, उससे बनाई जाती हैं और उसमें कलर मिक्स किए जाते हैं। तो ये एक चीज़ है जो आप याद रख सकते हैं। इन जो जितनी भी ये पेंटिंग्स हैं इनमें क्या होता है, वैसे ह्यूमन बींग्स को दिखाया जाता है, एनिमल्स को दिखाया जाता है, ट्रीज़ को, फ्लावर्स को, बर्ड्स को, फिश को, इन सारी चीज़ों को इसमें दर्शाया जाता है, जैसा कि आपने अभी ऊपर देखा भी, ये आप देख सकते हैं एनिमल और फ्लावर ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। जो राइस का पेस्ट है चावल का उससे पाउडर से बनती हैं, उसमें कलर मिक्स करके, और ये जो कलर हैं जैसे कि इंडिगो, नील, टर्मरिक, हल्दी, इन सारे कलर्स का यूज़ होता है जो कि फ्लावर से आते हैं, ट्रीज से आते हैं। तो आप ये याद रख सकते हैं। नेक्स्ट पर चलेंगे। नेक्स्ट चैप्टर की कहानी शुरू हो जाती है यहाँ पर। बेलवेनिका विलेज इज इन कर्नाटका। तो जो बेलवेनिका विलेज है एक उसकी कहानी है जो कि कर्नाटका में है, कर्नाटक में है। गीजू भाई बडेका जो थे वो गुजरात में रहते थे। ये गीजू भाई बडेका की एक बेसिकली गीजू भाई बडेका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए, स्पेशली एट प्राइमरी लेवल, क्योंकि इन्होंने क्या किया बच्चों को कहानियों के थ्रू पढ़ाना शुरू किया, बहुत एक अच्छी लर्निंग देनी शुरू की और इसलिए ये बहुत फेमस हैं। तो गीजू भाई बडेका कहाँ रहा करते थे? गुजरात में। और उन्होंने बहुत सारी स्टोरीज लिखी बच्चों के लिए, कहानियों के लिए बहुत बहुत प्रसिद्ध हैं गीजू भाई बडेका। नेक्स्ट पर चलेंगे। एन इंडियन रॉबिन लेज इट्स एग्स इन बिटवीन ऑफ स्टोन्स अलॉन्ग रोड साइड। जो इंडियन रॉबिन एक पक्षी है, एक बर्ड है, ये क्या करता है अपने अंडे एक रोड साइड स्टोन्स में, पत्थरों के बीच में देता है जो रोड के साइड में होते हैं। तो ये अंडे कहाँ देगा? इंडियन रॉबिन जो एक रोड के साइड में कुछ स्टोन्स होंगे वहाँ पर अपने अंडे ले करेगा। नेक्स्ट है कोयल अपने अंडे कहाँ देती है? एक कॉय के नेस्ट में देती है, मतलब कि जो कोयल है वो अपने एग्स को क्रो के नेस्ट में ले करती है और वही उसको फिर पालता रहता है अपने बच्चे समझ करके। नेक्स्ट है बर्ड्स यूज द नेस्ट ओनली टू ले देयर एग्स। के जो बर्ड्स हैं, जो पक्षी हैं, वो सिर्फ अपने अंडे देने के लिए, एग्स ले करने के लिए अपने नेस्ट का, अपने घोंसले का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, आफ्टर द एग्स हैव हैज्ड एंड द चिक्स हैव ग्रोन दे लीव द नेस्ट। मतलब कि उन्होंने एग्स को ले करने के लिए किसी एक घोंसले का इस्तेमाल किया, नेस्ट का इस्तेमाल किया, और जब उनके एग्स हैज्ड हो गए, वो चिक्स जो हैं बाहर निकल के आ गए, तो वो क्या करते हैं उस नेस्ट को, उस घोंसले को छोड़ देते हैं। अब एक नेक्स्ट स्टोरी शुरू हो जाती है। नल्ला मदा जो है एक आंध्र प्रदेश में एक जगह है। ये छोटी छोटी जो जगह हैं आप याद रखें कि कौन सी जगह कहाँ पर है। जैसे बेलवेनिका विलेज कर्नाटक में है, नलमंदा इज इन आंध्र प्रदेश, होलगुंडी कहाँ पर है? कर्नाटक में है। तो ये भी पूछ लेता है कई बार डायरेक्ट भी कि ये स्टेट है, ये किस स्टेट में है, ये सिटी या ये कोई भी एक प्लेस। नेक्स्ट है द चिल्ड्रंस पंचायत वॉज कॉल्ड भीमा सिंह इन हिलगुंडी। तो ये जो हिलगुंडी है कर्नाटक में, यहाँ पर जो बच्चों की एक पंचायत है उसको क्या कहा जाता है, नाम क्या है उसका? भीमा संघ। तो ये याद रखें, भीमा संघ क्या है? बच्चों की एक पंचायत है हिलगुंडी विलेज में कर्नाटक के। नेक्स्ट है अबाउट बनियन ट्री, मतलब जो आपका बरगद का पेड़ है उसके उसकी कुछ विशेषताएं हैं, एज इट इज पेपर में देखने को मिल जाती हैं कि बरगद का जो पेड़ है आपने देखा होगा बहुत बड़ा सा पेड़ होता है, बहुत सारी उसकी जड़ें कहूँ या ब्रांचेस निकली रहती हैं उसमें। तो ये जो ब्रांचेस हैं जो आपको लटकी हुई नज़र आती हैं, ये उसकी रूट्स होती हैं, जो जड़ हैं वो उसके बाहर हैं पेड़ के। बेसिकली जड़ क्या होती हैं पेड़ के, मतलब ज़मीन के अंदर होती हैं, लेकिन जो बरगद की जड़ें हैं वो बाहर तक ऐसे लटकी हुई होती हैं ब्रांचेस उसकी। तो ये जो आपको ब्रांचेस दिखती हैं बरगद की, बनियन ट्री की, वो एक्चुअल में क्या होती हैं? उसकी रूट्स होती हैं। तो ये याद रखें, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक। नेक्स्ट है डेजर्ट ओक इज़ अ ट्री दैट इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। डेजर्ट ओक जो है एक ट्री है जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ये भी आप याद रख सकते हैं। और इसकी एक और विशेषता यह है कि जो ओक ट्री है इसकी जो रूट्स हैं, इसकी जो जड़ें हैं ग्राउंड में, ज़मीन के अंदर इतने नीचे तक जाती हैं कि ग्राउंड लेवल वाटर जो है, जहाँ से आपका मोटर पानी निकालती है आपकी, बेसिकली वहाँ तक पहुँच जाती है। इतने नीचे तक इसकी जो रूट्स हैं, जड़ें हैं, डीप जाती हैं बिल्कुल ग्राउंड लेवल तक ओक ट्री की। दिस वाटर इज स्टोर्ड इन द ट्री ट्रंक। और ये जो वाटर है, जो जड़ें जा रही हैं पानी के अंदर ग्राउंड लेवल तक, ये जो पानी है इन रूट्स के थ्रू उसके ट्रंक में जो बीच वाला पोर्शन होता है ट्री का, उसके अंदर स्टोर होता है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, ये लाइन आप बिल्कुल याद रख लें कि ओक ट्री की जो जड़ें हैं वो पानी के नीचे ग्राउंड लेवल तक पहुँचती हैं ज़मीन के अंदर, और ये जो पानी स्टोर होता है इन जड़ों के थ्रू वो होता है ट्रंक में, जो बीच वाला हिस्सा होता है पेड़ का, तना बोलते हैं आई थिंक ट्रंक को। नेक्स्ट है बिहू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन असम ऑन द ओकेजन ऑफ न्यू राइस क्रॉप। जो बिहू फेस्टिवल है इस पर भी क्वेश्चन आता है, कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, कहाँ मनाया जाता है? असम में। आसाम में, आप में से कई लोग आसाम से होंगे, नीचे बताना कमेंट सेक्शन में। और किस ओकेजन पर मनाया जाता है? तो राइस क्रॉप, मतलब जो आपकी फसल है चावल की, उसके आने पर बिहू फेस्टिवल को मनाते हैं आप असम में। ये तो इवन PRTs के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है माघ बिहू। जो ये बिहू फेस्टिवल है ये किस डेट में सेलिब्रेट होता है? तो 14 और 15 जनवरी को। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें क्या देता है, तीन ऑप्शन दे देगा आपको, एक हटाना पड़ेगा कि बिहू के बारे में गलत है, या फिर एक छांटना पड़ेगा जो सही होगा। तो आप ये याद रखें सारी डिटेल्स। 14 से 15 जनवरी के बीच में सेलिब्रेट करते हैं, या फिर 1st एंड 2nd ऑफ माघ, जो कि 10वां महीना होता है एसएमईज कैलेंडर के हिसाब से, आसामी कैलेंडर के हिसाब से, और जो नॉर्मल एक इंग्लिश कैलेंडर है उसके हिसाब से 14 और 15 जनवरी। नेक्स्ट है दे मेक भेला घर फ्रॉम बेम्बू। ये जो माघ बिहू का फेस्टिवल है यहाँ पर, ये आपने देखा था अभी, जो बिहू को आप असम में, आसाम में क्या कहते हैं उसको, सेलिब्रेट करते हैं, इसमें आप बेम्बू से, क्योंकि बांस वहाँ पर काफ़ी मिलते हैं, बहुत बारिश होती है, तो भेला घर बनाया जाता है बांस के थ्रू इस बिहू फेस्टिवल के ओकेजन पर। नेक्स्ट है मुक्तापुर विलेज इज इन दी पोचामपल्ली डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। जो मुक्तापुर विलेज है, गांव है मुक्तापुर, वो पोचामपल्ली डिस्ट्रिक्ट में है आंध्र प्रदेश के, जो कि अभी तेलंगाना में आता है। तो आप याद रखें, जो पोचामपल्ली से बहुत क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि यहाँ के जो शॉल वगैरह हैं, वीविंग है, वो काफ़ी फेमस है। तो पोचामपल्ली डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। मुक्तापुर विलेज की ये कहानी है। ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन क्या है यहाँ के? जो मैंने अभी बताया था, पारंपरिक जो ऑक्यूपेशन है, व्यवसाय हैं, वो कारपेट वीविंग है। जो आपके नीचे फर्श पर बिछाने वाली कारपेट है, उसको ये लोग वीव करते हैं, बुनते हैं। टॉय मेकिंग है, खिलौने बनाते हैं, इत्र बनाते हैं, इत्र का प्रोडक्शन करते हैं। तो आप ये याद रख सकते हैं, वीविंग वगैरह के लिए, बुनाई के लिए काफ़ी ये फेमस है, शॉल वगैरह के लिए। नेक्स्ट पर चलते हैं, साड़ियों के लिए बेसिकली। दीज थिंग्स हैव बिकम फेमस बाय द नेम ऑफ द प्लेस वेयर दे आर मेड लाइक। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर हम ले रहे हैं, जो ऐसे कुछ चीज़ें, ऐसा कुछ काम किसी एक पर्टिकुलर जगह का जो फेमस हो गया। जैसे कि आपका अलीगढ़ का आपके दिमाग में आता है तो आप सोचते हैं कि ताले, अगर कानपुर का दिमाग में आता है तो आप सोचते हैं कि भाई चमड़ा बनता है वहाँ पर। तो इसी तरह से यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिए गए हैं कि कुल्लू के शॉल्स, कुल्लू मनाली के शॉल्स फेमस हैं, मधुबनी पेंटिंग्स फेमस हैं क्योंकि मधुबनी डिस्ट्रिक्ट बिहार की हैं, उसी के नाम पर पड़ गया। असम का सिल्क फेमस है, आसाम का जो सिल्क है वो फेमस है, अभी हमने समझा भी पोचामपल्ली विलेज में। कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी फेमस है, जो आप जानते हैं कि कश्मीरी शॉल, पश्मीना शॉल, ये सारे, तो एम्ब्रॉयडरी फेमस है कश्मीर की। याद रखें आप, कुल्लू के शॉल, मधुबनी पेंटिंग, आसाम का सिल्क, कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी। नेक्स्ट है अबू धाबी इज इन यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है अबू धाबी। अबू धाबी क्या है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एक अपने आप में कंट्री है, यूनाइटेड स्टेट्स हैं जहाँ पर, मतलब बेसिकली अलग अलग सिटीज़ हैं, जैसे कि दुबई हो गया, अबू धाबी हो गया। तो अबू धाबी क्या है? यहाँ की कैपिटल भी है यूएई की, और एक शहर है यूएई के अंदर। यूएई में जो ये करेंसी है अबू धाबी की, ये क्या है? दिरहम है। तो याद रखें आप, दिरहम है जो अबू धाबी की करेंसी है, और अबू धाबी क्या है? यूएई की कैपिटल भी है। तो एक एक्स्ट्रा चीज़ आप याद रखें, यूएई की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। मिडल ईस्ट कंट्रीज़ हैं बेसिकली ये, दुबई हो गया, सऊदी अरेबिया, अबू धाबी, ओमान, ये सारे जो देश हैं ये यूएई में पड़ते हैं। नेक्स्ट है चित्तापन। चित्तापन क्या है? चित्तापन कहते हैं फादर को, पिता को चित्तापम कहा जाता है। चित्तापन मलयालम भाषा में, ये आप याद रख सकते हैं। कुंजम्मा कहा जाता है मदर को, फादर्स यंगर ब्रदर्स वाइफ, मतलब अपनी जो आंट हैं उनको कहा जाएगा कुंजम्मा। तो याद रख सकते हैं, वैसे तो नहीं पूछेगा इस तरह से। नेक्स्ट है इन केरला यू कैन सी मैनी फ्रूट ट्रीज लाइक कोकोनट, बनानास, जैक फ्रूट, पपाया, बैटल नट। तो याद रखें आप कि जो केरला है, जो केरला प्लेस है बेसिकली, वहाँ पर आपको इस तरह के पेड़ देखने को मिल जाएंगे, फ्रूट ट्रीज देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि कोकोनट हो गया, बनाना हो गया, जैक फ्रूट हो गया, पपाया हो गया, और बीटल नट हो गया। तो ये आप याद रखें, बेसिकली जो फ्रूट नट्स की बात करें तो वहाँ पर काफ़ी ऐसे मिल जाते हैं। द ओनली ट्री विच ग्रोज इन डेजर्ट, मतलब सूखे रेगिस्तान में जो ट्री ग्रो करती है, सिर्फ एकमात्र ट्री है। कौन सा एक पेड़ होगा ये? तो डेट पाम्स होगा। जितने भी रेगिस्तानी एरिया हैं बेसिकली यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, तो ये खजूर के पेड़ होते हैं, जहाँ पे डेजर्ट होता है, बिल्कुल रेगिस्तान होता है। नेक्स्ट है यू कैन फाइंड वेरियस स्पाइसेस इन केरला। केरला में पेड़ तो मिलेंगे ही, कोकोनट, बनाना, जैक फ्रूट, पपाया, लेकिन इसके अलावा आपको बहुत सारे स्पाइसेस, मसाले भी मिल जाएंगे, जैसे कि तेज पत्ता, कैडमम्स एंड ब्लैक पेपर। तो जो इलायची है और आपकी काली मिर्च है, तेज पत्ता है, ये सब भी स्पाइसेस आपको केरला में मिल जाएंगे। गरम मसाला किस चीज़ से बनता है? तो गरम मसाला बड़ी इलायची को मिला के, क्लोव, लौंग को मिला के, क्यूमन सीड्स को मिला के, जीरा को मिला के, सिनेमन को, ब्लैक पेपर को, ड्राई जिंजर, इन सारी चीज़ों को मिला के आपका गरम मसाला बनता है। बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता होगा, तो ये भी याद रखने वाली चीज़ है। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म। अब एक नेक्स्ट स्टोरी स्टार्ट हो जाती है एनसीईआरटी के हिसाब से, नेक्स्ट चैप्टर है ये अपने आप में, कि एक स्टोरी है लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म की। जो लेफ्टिनेंट कमांडर हैं वहीदा प्रिज्म, उनकी एक स्टोरी है, जो कि एक डॉक्टर हैं कहाँ पर? इंडियन नेवी में, और ये फर्स्ट वेमेन थी जिन्होंने परेड ज्वाइन की, एक डिफेंस की सबसे पहली महिला जिन्होंने परेड को ज्वाइन किया, और डॉक्टर हैं ये कहाँ पर? इंडियन नेवी में, वहीदा प्रिज्म। इनके बारे में डिटेल जरूर देगा कि 3 ऑप्शन दे दिए, आपको 4th चूज करना पड़ेगा, गलत या सही। वहीदा प्रिज्म क्या है, कहाँ से हैं? थन्ना मंडी से हैं, जो कि राजौरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का है। तो JNK की हैं ये और थन्ना मंडी डिस्ट्रिक्ट से हैं। पहली ऐसी विमेन हैं, ऐसी महिला हैं जिन्होंने नेवी की परेड को ज्वाइन किया और लेफ्टिनेंट कमांडर हैं नेवी में, इंडियन नेवीज़ में। नेक्स्ट पेज पर चलेंगे, बहुत धीरे धीरे हम कर रहे हैं ताकि सारी चीज़ें क्लियर रहें दिमाग में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टोटल नंबर ऑफ कमांड्स इन अ परेड इज, मतलब जो कमांड्स होती हैं आपकी परेड में, कि जितनी भी कमांड्स होती हैं आपने देखा होगा 26 जनवरी 15 अगस्त को 36 कमांड होती हैं टोटल। और तिब्बतन ऑल्सो कॉल्ड भोती इज द लैंग्वेज स्पोकन इन लद्दाख, मतलब जो तिब्बती भाषा है वो बोली जाती है लद्दाख में, जिसको भोती भी कहते हैं। तो याद रखें, तिब्बतन भाषा बोली जाती है लद्दाख में, जिसको भोती भी कहते हैं। कहाँ पर? लद्दाख में। और लद्दाख को क्या कहते हैं? कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं, ठंडा रेगिस्तान। नेक्स्ट है मदर इन भोती लैंग्वेज आमाले, जो ये तिब्बतन लैंग्वेज है लद्दाख की भाषा में, माँ को क्या कहेंगे? आमाले। और पिता को क्या कहेंगे? आबाले। तो एक थोड़ा सा सिमिलर कॉन्सेप्ट है जो मुस्लिम लैंग्वेज है, उर्दू है, उससे। नेक्स्ट है आपका एज द आंट्स मूव, जैसे कि आपकी चींटी बढ़ती हैं, आगे चलती हैं, वो क्या करती हैं? एक स्मेल, एक बदबू कहें या एक जो भी खुशबू कहें, जो आपका मन करे वो कह लें, लेकिन एक स्मेल छोड़ती हैं चींटियाँ जब वो चलती हैं ग्राउंड पर, ज़मीन पर। इससे क्या होता है, इस स्मेल को फॉलो करते करते जो उनकी अदर, जो उनकी साथी होती हैं, बाकी की आंट्स होती हैं, बाकी की चींटियाँ होती हैं, वो रास्ता ढूंढ लेती हैं कि हमारा जो झुंड है वो कहाँ गया है। नेक्स्ट है आ सिल्क वॉर्म कैन फाइंड इट्स फीमेल वॉर्म फ्रॉम मैनी किलोमीटर्स अवे बाय हर स्मेल। तो इसी तरह से जो एक सिल्क वॉर्म है, जो सिल्क का एक कीड़ा है, वो भी अपनी फीमेल वॉर्म को कई किलोमीटर्स से उसकी स्मेल से पहचान सकता है। तो ये स्पेशल एक कैरेक्टरिस्टिक है आपके इन कीड़ों में, जो कि स्मेल के थ्रू पहचान लेते हैं, जैसे कि चींटियां हैं, जैसे कि एक आपका सिल्क वॉर्म है। नेक्स्ट है मॉस्किटोज कैन फाइंड पीपल बाय द स्मेल ऑफ देयर बॉडी। जो मॉस्किटोज हैं, मच्छर हैं, वो भी आपको, इंसान को उसकी शरीर की सुगंध से या स्मेल से पहचान लेते हैं। तो एक स्पेशल सेंस है ऐसे इंसेक्ट्स का, जो स्मेल से पहचान लेते हैं। दे ऑल्सो फाइंड दैम बाय द स्मेल ऑफ द सोल ऑफ देयर फीट एंड द हीट ऑफ देयर बॉडी। मतलब मच्छर हमें हमारे जो सोल है, हमारे जो तलवे हैं, उसकी स्मेल से और हीट से हमारी बॉडी की भी पहचानते हैं। तो ये भी बातें याद रखने वाली थी। और नेक्स्ट है डॉग्स मार्क आउट देयर ओन एरिया ऑन द रोड। डॉग्स जो हैं, कुत्ते हैं, अपने एरिया को कैसे बनाते हैं रोड्स पर, क्या करते हैं वो? जो उनकी यूरिन की स्मेल है उससे वो पहचानते हैं कि अगर कोई और कुत्ता उनके एरिया में आया हुआ होता है तो वो जो डॉग है वो यूरिन या पॉटी ज़रूर करेगा, तो उस स्मेल से वो पहचान लेते हैं कि कोई और हमारे एरिया में आया हुआ है। तो ये कुत्तों के बारे में एक विशेष बात थी। मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हैव देयर आइज ऑन ईदर साइड ऑफ द हेड एंड देयर आइज कैन फोकस ऑन टू डिफरेंट थिंग्स एट अ टाइम। जो ज़्यादातर बर्ड्स हैं, ये एक और विशेषता है बर्ड्स की, एक पिछली बार पढ़ी थी हमने लास्ट वीडियो में। मोस्ट ऑफ द वर्ड्स, मतलब ज़्यादातर वर्ड्स बर्ड्स का, जो चिड़िया हैं उनकी जो आइज़ होती हैं, आँखें होती हैं, वो उनके दोनों साइड होती हैं सर के। तो क्या करना पड़ता है उन्हें, अगर एक ऑब्जेक्ट को देखना है तो दोनों आँखें एक साथ देखती हैं, और अगर दूसरी तरफ देखना है तो पूरा सर घुमाना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन दे लुक स्ट्रेट, जब वो सीधे देखती हैं, ये बात मैंने बता दी है, तो फोकस करती हैं एक ऑब्जेक्ट पर, लेकिन अगर किसी और चीज़ को देखना है, क्योंकि उनकी आइज़ फिक्स्ड हैं एक जगह, मूव नहीं कर सकती उनकी आइज़ हमारी तरह, तो उनको पूरा सर घुमाना पड़ता है। नेक्स्ट पर चलेंगे, सम बर्ड्स लाइक काइट्स, ईगल्स, वल्चर्स कैन सी 4 times एज फार एज वी कैन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो काइट है, जो आपके चमगादड़ है, ईगल है, वल्चर है, ये मनुष्य से 4 गुना ज़्यादा तेज़ या दूर तक देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन एज इट इज़ आपको NCERT में या पेपर्स में भी मिल जाएगा कि कौन सा एक बर्ड है जो, जिसकी जो नज़र है बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, 4 times ज़्यादा होती है हम लोगों से। तो चाहे वो ईगल हो, बोलते हैं ना बाज की नज़र, तो वही है, ईगल हो, चमगादड़ हो, वल्चर हो, इन तीनों में से कोई भी हो आप आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट है दीज बर्ड्स कैन सी थिंग्स फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 8 meters वॉट वी कैन सी फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 2 meters। मतलब 4 गुना ज़्यादा बेहतर देख सकते हैं मनुष्यों से ये तीनों ही बर्ड्स। तो सीधी सी बात है कि जो हम 2 मीटर से देख पाएंगे, ये उसको कहाँ से देख लेंगे? एक 8 meter के डिस्टेंस से देख लेंगे। तो 4 गुना ज़्यादा हो गया ना, 4 दूनी 8, क्लियर बात। नेक्स्ट है एनिमल्स कैन नॉट सी एज मैनी कलर्स एज वी कैन। एक और स्पेशल बात है एनिमल्स के बारे में, जानवर के बारे में बेसिकली, कि जानवर जो हैं वो, जो दिन में जगते हैं जानवर, वो कुछ कलर्स को देख लेते हैं, जैसे कुत्ता वगैरह, जितने भी दिन में जगने वाले जानवर हैं वो कुछ कलर्स को पहचान लेते हैं। लेकिन जो रात को जगने वाले जानवर हैं उनको सिर्फ चीज़ें ब्लैक एंड वाइट में दिखती हैं, काले और सफ़ेद रंग में दिखती हैं, जैसे कि आपका उल्लू हो गया, ठीक है। तो जो रात को जानवर जगते हैं या पक्षी जगते हैं उनको सिर्फ ब्लैक एंड वाइट में दिखता है, ठीक है, और जो दिन में जगते हैं उनको थोड़े बहुत कलर नज़र आ जाते हैं। नेक्स्ट है बर्ड्स ईयर्स आर स्मॉल होल्स कवर्ड विद फीदर्स। ये बात हम समझ चुके हैं पहले भी कि जो बर्ड्स, एक पक्षी के जो कान होते हैं वो होल्स होते हैं और वो उसके फीदर्स से, उसके फर से ढके हुए होते हैं, तो इसलिए दिखते नहीं हैं। आंखें तो आपको दिख जाती हैं लेकिन कान नहीं दिखते क्योंकि वो उसके फीदर्स से, उसके फर से ढके हुए होंगे। नेक्स्ट है स्नेक्स आर डेफ एंड दे ओनली फील वाइब्रेशंस ऑन द ग्राउंड। स्नेक्स जो हैं, सांप जो हैं, वो डेफ होते हैं, मतलब बहरे होते हैं भाई, वो आवाज़ नहीं सुन सकते लेकिन वाइब्रेशंस को फील कर सकते हैं। और ये बीन वीन की आवाज़ जो मूवीज़ में दिखाते हैं वो आवाज़ सुनते नहीं है, वो वाइब्रेशंस को फील करते हैं, इसलिए वो भाग करके आते हैं। तो ये क्वेश्चन एज इट इज़ आपको देखने को मिल जाएगा। सांप जो हैं, जितने भी स्नेक्स हैं, वो सुन नहीं सकते, वो वाइब्रेशंस को फील करते हैं ग्राउंड पर। नेक्स्ट है सम बर्ड्स एंड एनिमल्स हैव डिफरेंट साउंड्स फॉर डिफरेंट सिचुएशंस। ये एक और बात है कि भाई जो सब कुछ बर्ड्स और कुछ एनिमल्स, वो लोग बोल तो सकते नहीं लेकिन उनकी डिफरेंट साउंड्स होती हैं, अलग अलग आवाज़ें वो निकालते हैं जैसी जैसी सिचुएशन होती है। तो अगर कोई डेंजर है या हैप्पीनेस है तो सारे अलग अलग तरीके से अपनी अपनी आवाज़ बनाई हुई है उन्होंने और उसी तरह से निकालते हैं। जैसे लंगूर है, टाइगर है, लियोपार्ड है, ये सब जो खुशी की आवाज़ अलग है और अगर कोई डेंजर है तो उसकी आवाज़ अलग है। सम एनिमल्स स्टार्ट बिहेविंग इन अ डिफरेंट वे व्हेन एन अर्थक्वेक और स्टॉर्म इज अबाउट टू कम। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो पहले ही भांप लेते हैं अगर आपका कुछ अर्थक्वेक या कुछ कैलेमिटी आने वाली है, स्टॉर्म आने वाला है, तूफान आने वाला है, क्योंकि इनकी जो होती है इंट्यूशन बहुत ज़्यादा तेज़ होती है जानवर्स की। तो ये आप याद रख सकते हैं कि कुछ एनिमल भांप लेते हैं अर्थक्वेक्स या स्टॉर्म वगैरह को पहले ही, और जो लोग जंगल में रहते हैं वो इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो हमारा जानवर है ये कुछ अलग सा बिहेव कर रहा है, पेट जो है, तो हमें थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए, कुछ ना कुछ होने वाला है। ठीक है, तो ये थी कुछ बातें। अब बाकी की चीज़ें हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस। आई होप हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को आज डिस्कस किया है। एज इट इज़ इनमें से क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, तो अगर किसी ने भी मिस किया है, आपका कोई भी फ्रेंड तैयारी कर रहा है, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। इसमें से कई सारे क्वेश्चन एक साथ देखने को मिल जाएंगे आपको। और नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ताकि नोटिफिकेशन आ जाए आपके पास। तो अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में बताएं कोई भी डाउट हो। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस वॉज हिमांशी साइनिंग ऑफ। धन्यवाद।